कि इस सोए हुए बीज को खुद ही उठाना पड़ता है। जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए प्लान योजनाओं का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि मन हर वक्त भटकता है, और यदि आपके पास कोई लिखी हुई कोई योजना होगी तो आप अपने मन को ये कह सकते हो कि इस वक्त मेरे लिए ये काम जरूरी है, ना कि कोई दूसरा। इसलिए अपने कामों को करने से पहले एक छोटा सा प्लान बनाएं और उस प्लान के हिसाब से ही काम करें। इससे आपका ध्यान भटकना कम होगा। आपका आज मस्ती मजाक टाइम पास में बीत जाएगा, कल भी बीत जाएगा, परसों भी बीत जाएगा, लेकिन कुछ सालों बाद ये टाइम गुजरते गुजरते आपके सपनों को भी अपने साथ लेकर चला जाएगा। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह एक एक दिन से आपका भविष्य बनता और बिगड़ता है। समय कीमती है, उसे व्यर्थ ना करें, अपने जरूरी कामों को करना शुरू करें। लक्ष्य बनाने और संकल्प लेने में अंतर है। यदि आप सोचते हैं मुझे ये चीज चाहिए तो ये आपका लक्ष्य है, लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि ये चीज मुझे हर हाल में चाहिए ही चाहिए और मैं इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, तो ये आपका संकल्प है। जो लक्ष्य बनाते हैं उनका मनोबल टूट सकता है, लेकिन जो संकल्प लेते हैं उनकी जीत निश्चित होती है। इसलिए संकल्प लीजिए कि इस एक चीज को मैं हर हाल में हासिल करके दिखाऊंगा, चाहे कीमत जो भी चुकानी पड़े। एक स्टडी में पता चला है, यदि कोई आपके बारे में कुछ उल्टा और गलत बोल रहा है और आप उस वक्त भी चुप हैं, और मन में खुद से कह रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है, बोलने दो, मुझे पता है मैं कैसा हूं, तो ये दर्शाता है आप में आत्मसम्मान और सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है। और दूसरी तरफ यदि कोई आपको कुछ बोलता है और आप उसे तुरंत रिप्लाई करने में या उससे लड़ने लग जाते हैं, तो समझ जाना आप में आत्मसम्मान और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। ऐसे लोग खुद को सिर्फ दूसरों को प्रूफ करने में लगे रहते हैं। बुद्धिमान लोग सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते, वो हमेशा अपने काम और अपनी सक्सेस के जरिए जवाब देते हैं। जब बादल टूटता है तो बारिश होने लगती है, जब खेत में मिट्टी टूटती है तो वो खेत का रूप ले लेती है, जब कोई नया बीज टूटता तो एक पौधे का जन्म होता है। इसलिए जीवन में जब भी टूटने लगो तो समझ जाना भगवान आपको तोड़कर आपको कुछ उपयोगी और बेहतर बना रहे हैं। जो मरने से नहीं डरता वो कुछ बड़ा करने से भी नहीं डरता। मृत्यु निश्चित है, इसलिए जीवन की खराब से खराब परिस्थिति में भी सीना तान कर जीना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, ऐसे लोगों का नाम ही इतिहास में दर्ज होता है। जिंदगी में इतना काबिल बनो कि भगवान किसी गरीब की मदद करने के लिए तुम्हारी जेब का इस्तेमाल करे। जिंदगी एक क्रिकेट है, हर बॉल पर चौका और छक्का नहीं लगाया जाता। सही समय का इंतजार करना ही बुद्धिमानी है। केवल उन्हीं के साथ मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं, थोड़ा उनके साथ भी रहिए जो आपको देखकर खुश रहते हैं। जीत पक्की हो तो कायर भी लड़ते हैं, बहादुर तो वो है जो हार पक्की हो तो भी मैदान नहीं छोड़ देते। जब तुम्हें कोई छोड़ जाए तो मेहनत करके जिंदगी में इतना आगे बढ़ जाओ कि फिर उसकी औकात ना हो तुम्हारी तरफ दोबारा देखने की। बदलाव के लिए समय का इंतजार मत करो। बदलाव समय के हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में है। चाहे कथा हो, कहानी हो या फिल्म, संघर्ष हमेशा हीरो के जीवन में ही होता है। परिवर्तन और संघर्ष से डरने वाला व्यक्ति कभी भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है दुखी मन के आगे, समंदर की भी क्या औकात है। जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को मत भूलना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं करती। किसी एक चीज पर फोकस करके उस पर एक महीने काम करके देखो, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। हर दिन की एक नई शुरुआत मानो। क्या हो सकता था कि बजाय यह सोचिए कि क्या किया जा सकता है। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो। एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरा होंगे। सागर के तल से और बीते हुए कल से जितना निकाल सको निकाल लेना चाहिए। समय जब खराब चल रहा हो तो लोग हाथ नहीं गलतियां पकड़ते हैं साहब, इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी लगती है, दूसरों के मन की हो तो बहुत खटकती है। जिंदगी में किसी की अहमियत कम मत समझो, क्योंकि एक छोटे से गुब्बारे को पूरा समुद्र भी डूबा नहीं सकता। ऐसे ही कोई रेस नहीं जीता था कछुआ खरगोश से, उसकी रफ्तार धीमी थी लेकिन निरंतर थी। बूंद सा जीवन है ईसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। बनना है तो पानी की तरह बनो,
जो अपना रास्ता खुद बनाता है, बाकी पत्थर तो लोगों का रास्ता रोकते ही हैं। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। मूर्ख लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, वो पहले आपको अपने स्तर पर ले आएंगे और फिर अपने अनुभव से आपको हरा देंगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, लेकिन कभी भी उन्हें मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास भले नहीं मगर आग तो बुझा ही देता है। अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो समझाओ ही मत, क्योंकि कुछ बातें समझने से नहीं, खुद पर बीतने पर ही समझ आती हैं। घमंड न करो अपने रूप और रुपए का, क्योंकि मोर को उसके पंखों का बोझ ही ऊंचा उड़ने नहीं देता। रिश्ते हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य जैसा होता है, जैसे शून्य की कोई कीमत नहीं होती, मगर शून्य जिस गिनती के साथ होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, ईश्वर माफ कर देता है। कर्म नहीं, कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है, गुनाह भी हुआ होगा। अहंकारी इंसान एक अंधे के समान है, जिसे न तो अपनी गलती दिखाई देती है न दूसरों की अच्छाई। मन में हमेशा जीत की आस होनी ही चाहिए। नसीब बदले या न बदले, वक्त जरूर बदलता है। अकेले खड्ढीले रहने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में क्यों ना हो। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से आता है। पावर और मोटिवेशन तुम्हारे खुद के अंदर है, जरूरत है तो बस उसे जगाए रखने की। इस दुनिया में सबसे सस्ती हैं भावनाएं, लेकिन अनमोल होता है वह इंसान जो इन भावनाओं को समझ सकता है। भगवान ने सभी को धनुष के आकार के होंठ दिए हैं, मगर इनसे शब्दों के बाण ऐसे छोड़ दिए जो सामने वाले के दिल को छू जाए, ना कि दिल को छेद दिया जाए। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये हमेशा आभूषण ही बनते हैं। कौवा कोयल की आवाज दबा सकता है, लेकिन कोयल जैसी आवाज नहीं निकाल सकता। इसी तरह लोग आपको बदनाम कर सकते हैं, लेकिन आपके जैसा अच्छा इंसान कभी नहीं बन सकता। जिनकी बुद्धि कुमार्ग पर चल रही हो, उनके साथ बहस नहीं करनी चाहिए। पक्षियों के मधुर स्वर को सुनकर बंदर उनके घोंसले तोड़ डालते हैं। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन भगवान उसकी नाव को कभी डूबने नहीं देते। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में ही जरूर आते हैं। समय और धैर्य वह दो हीरे मोती है, जिनके दम पर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकता है। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों से आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। ईश्वर कभी भी दूसरा दरवाजा खोले बगैर पहला दरवाजा बंद नहीं करता है। भगवान की भक्ति वो सुरक्षा कवच है, जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेद नहीं सकती। ईश्वर को अपना वकील बनाने वाला अपना मुकदमा मुफ्त में जीतता है। दुनिया का सबसे गलत इंसान वो है जिसे लगता है कि हर बार हर चीज में केवल वही सही है। जो दूसरों को इज्जत देता है, असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को